Hello students, good afternoon. Welcome to Unacademy. Let's crack NTSE and foundation. ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन के ऊपर जो हमारी टीम है फाउंडेशन के लिए आपको, ठीक है, बहुत ही सॉलिड टीम है. ठीक है, बहुत ही एक्सपीरियंस है इनके पास. ठीक है, पिछले 5-7 सालों से इन्होंने कोटा के सिस्टम में काम करके बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, चाहे वो NTSE हो, चाहे वो IGS हो, या फिर और भी वेरियस ओलम्पियाड्स हों, स्कूल बोर्ड्स एग्जाम हों. ठीक है, तो फटाक से आप लोगों को अनअकैडमी पे आना है. ठीक है, तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा. मैं हूँ अजय सिंह, मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस ब्रांच से, और अभी तक मैं 20+ NTSE स्कूलों को मेंटर कर चुका हूँ. 6+ ईयर का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है. ठीक है, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं ASSIRLIBE तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा कोई भी NTSE या फाउंडेशन के प्लान के ऊपर. ठीक है, तो डेली मैं 3:30 PM आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलता हूँ, जो कि अभी का टाइमिंग है, और 10 PM रात को मैं आपको लाइव यहाँ पे मिलूंगा. ठीक है, जैसे कि आप लोगों के अभी एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम है 12th of March को, कुछ बच्चों का शायद 7th of March को भी एग्जाम है, संस्कृत का है. ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन 6 से 7 दिनों के अंदर हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए. ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ ये प्लानिंग जो है मैं ये 7th मार्च को संस्कृत नहीं है उसके हिसाब से कर रहा हूँ. ठीक है, जिनका संस्कृत का एग्जाम है उनकी प्लानिंग भी मैं शेयर करूँगा 7th ऑफ मार्च को, उनके लिए भी मैं प्लानिंग शेयर करूँगा. ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे प्लानिंग के अंदर. ठीक है, बच्चों को अनअकैडमी प्लस क्यों ज्वाइन करना चाहिए, जैसे आपके सामने स्क्रीन चल रही है. ठीक है, यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होती है, स्पेशल क्लासेस होती है अनअकैडमी प्लस के ऊपर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि आपको अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करना चाहिए. वो आप एज ए डेमो की तरह उसको ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, एजुकेटर से आप चाहे तो उसमें तुरंत बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर अपन बात करें कि आपको किसी एक एजुकेटर को पे नहीं करना है, आपको अनअकैडमी को पे करना है, देन उसके बाद आप जिस भी एजुकेटर से चाहें, जिस भी टॉप एजुकेटर से चाहें, उससे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, मतलब आपको एक स्पेसिफिक टारगेट करके यहाँ पे सिलेबस डिजाइन किया हुआ है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी आप प्लानिंग कर सकते हैं. ठीक है, चाहे वो NTSE हो, चाहे वो NSEJS हो, या फिर स्कूल एग्जामिनेशन हो, या फिर 9th फाउंडेशन हो, या 10th फाउंडेशन हो. ठीक है, तो हर टाइप के कोर्सेज यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे. ठीक है, तो इसमें देरी किस बात की, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद आप अपना जो भी गोल है फाउंडेशन और NTSE उसके ऊपर जाके क्लिक कर दीजिए. उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ प्लान्स यहाँ पे दिखेंगे. जब कोई भी आप प्लान अगर बाय करने चाहते हैं, ठीक है, 1 मंथ का है, 3 मंथ का है, 4 मंथ का है, 6 मंथ का है, 12 मंथ का है, 24 मंथ का. ये प्लान मैं रिकमेंड करूँगा 9th to 10th मूविंग बच्चों को, और ये जो वाला प्लान है ये मैं 8th to 9th मूविंग बच्चों को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ मंथ्स इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे पर मंथ कॉस्टिंग है वो आपकी डिक्रीज होती जा रही है. ठीक है, जैसे पहले मंथ में 3500 था, अगर 24 मंथ का प्लान अगर आप वही लेते हैं तो 875 रुपीज आपको पे करना रहेगा. ठीक है, उसके ऊपर से अगर आप मेरा रेफरल कोड जो कि ASSIRLIBE अगर आप उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और वहां पे मिल जाएगा. ठीक है, देन प्रोसीड टू पे करके आपको हम अनअकैडमी पे मिलेंगे. ठीक है, तो 10th बोर्ड रिवीजन क्लासेस है ये आज का टॉपिक जो है, और आज का टॉपिक जो है वो प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, हाफ एन आवर का टॉपिक है, इसलिए मैंने प्रोबेबिलिटी लिया है. शाम को मैं एलजेब्रा का पार्ट लूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पॉलीनोमियल. ठीक है, तो क्या क्या प्लानिंग रहेगी मेरी अनअकैडमी यूट्यूब के ऊपर आपको पढ़ाने के लिए. ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है तो सबसे पहले है प्लान फॉर हॉलीडेज. ठीक है, जैसे 4th ऑफ मार्च जैसे कल आपका एग्जाम खत्म हुआ था. ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों ने पढ़ाई की हो, कुछ ने नहीं की होगी. ठीक है, तो कल का डे अपन निकाल देते हैं, और आज का भी अगर मैं 3:30 के बाद की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आज के दिन के अंदर आप लोग जो है प्रोबेबिलिटी पॉलीनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कंप्लीट कर लीजिए. ठीक है, जितने भी आपके नोट्स हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे अगर मैं बात करूं पॉलीनोमियल्स के अंदर, स्पेशली आप डिवीजन एल्गोरिथम पे जरूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा लेंथी प्रोसेस रहता है. ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाइक रूट्स गिवन है, इक्वेशन निकालना है. ठीक है, अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ दिस पॉलीनोमियल, देन फाइंड द पॉलीनोमियल हुज रूट्स आर अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा. इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स पूछी जाती है उस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको थोड़ा वर्क ज्यादा करना होगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स पे ज्यादा प्रॉब्लम्स आप कीजिएगा, साथ के साथ जो दो भी वर्ड प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती है उसके अंदर आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है मैं मानता हूँ, और वो प्रोसेस जो है वो लेंथी भी होता है, क्वेश्चंस जो है वो लेंथी होते हैं. ठीक है,
और जैसे टाइम एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम है, जैसे उसके अंदर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम टाइम के बारे में ही बात की जाती है, टाइम से ही अपन इक्वेट करते हैं। और टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फॉर्मूले से अपन अगर काम करें वहाँ पे तो सारी सारी वर्क प्रॉब्लम जो है वो टाइम एंड डिस्टेंस के हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो 5th मार्च का प्लान आपका यही रहेगा कि ये जो 3 चैप्टर्स आपके प्रोबेबिलिटी है, पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक को एक साथ मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये चैप्टर ऑलमोस्ट दोनों एक लिंक में ही है। ठीक है, सिमिलर है, एक का ही आगे का पार्ट है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इजी होगा और इतना ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो भी मैंने ये प्लान बनाया आप लोगों के सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं आपके 10-12-13 घंटे आपको पढ़ना है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाओगे, नहीं, एकदम ईजी वे में आप चलोगे। ठीक है, अगर जो मैंने प्लान बनाया है ट्रस्ट में, आप इस बारे में आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आपका जो भी टारगेट है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में अचीव करने का, अगर आपने इस प्लान को फॉलो किया तो डेफिनेटली उस टारगेट को आप इजीली अचीव करोगे और उस टारगेट से ऊपर ही जाओगे। ठीक है, 6th मार्च को मॉर्निंग टिल 10 AM तक। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको 8 से 9 बजे तक पढ़ना चाहिए, 9 से 10 बजे तक पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना वो पढ़ना, नहीं, मैं ऐसे टाइम स्लॉट के अंदर आप लोगों को बाउंड नहीं करूंगा। ठीक है, बट मैं ये चाहूंगा कि आप मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ के टिल 10 AM तक जितने भी पूरे NCERT के जो फॉर्मुलेज हैं, लास्ट में आपने देखा होगा इंडेक्स बना हुआ है, इंडेक्स लास्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, वहां पे लिखे हुए हैं। ठीक है, आप एक बार उनको टिल 10 AM तक एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और हर चैप्टर में अपने आप से ये जरूर बात कीजिएगा जो भी आप रिवाइज कर रहे हो कि इस चैप्टर में है क्या, किस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। अच्छा, इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये बातें अपने आप से कीजिएगा टिल 10 AM तक। ठीक है, 10:30 to 1:30 सैंपल पेपर 1, चाहे आप कहीं से भी उठाएं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बट मैं चाहूंगा कि आप जो भी, मैं 5 सैंपल पेपर यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को, उन 5 सैंपल पेपर में से 3 सैंपल पेपर जो हैं, 3 या 4 सैंपल पेपर जो हैं नए पैटर्न के हिसाब से होने चाहिए। ठीक है, बाकी के जो सैंपल पेपर हैं, ठीक है, वो जो आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा सकते हो। ठीक है, क्योंकि सैंपल पेपर में प्रैक्टिस करके आपको ये तो आइडिया हो जाएगा कि आपके एग्जाम हॉल में क्या प्लानिंग रहने वाली है। ठीक है, जैसे मान लो आप 5 सैंपल पेपर हैं जो इस पैटर्न के हिसाब से अगर उठा रहे हैं, कई बच्चों की कंप्लेन होती है, मतलब समस्या होती है कि सर पेपर तो सही था बट लेंथी था, पेपर पूरा नहीं कर पाया, पेपर छूट गया। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं आपको टाइम फ्रेम दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो उस टाइप के प्रॉब्लम से बचने के लिए आप इन 5 सैंपल पेपर में ऐसा कर सकते हैं कि एक पेपर में आप सॉरी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी अप्लाई कीजिए। ठीक है, देन उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं एक सैंपल पेपर में कि सेक्शन डी आप पहले कर लीजिए, सेक्शन सी आप पहले कर लीजिए, सेक्शन बी आप पहले कर लीजिए, बाद में कर लीजिए, एंड लास्ट में सेक्शन ए कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें देखो दोनों चीजें ही हो सकती हैं। अगर आप सेक्शन ए पहले करते हो तो ऑब्वियसली बात है कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे, और सेक्शन डी पहले करते हो तो ज्यादा दा टाइम में आप कम क्वेश्चन ही कर पाओगे। ठीक है, तो अपने आपको मेंटली प्रिपेयर रखना है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से नहीं चलना, आपको ये चेक करना है कि मार्क्स आपके कितने सिक्योर हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 घंटे में मान लो 20 क्वेश्चन कर लेते हैं सेक्शन ए के, तो आपके 20 मार्क्स सिक्योर हुए। ठीक है, उसी टाइप से अगर आप सेक्शन डी के जो कि 6 क्वेश्चन हैं और 4 मार्क्स के 24 मार्क्स हो चुके हैं। ठीक है, तो आप को मार्क्स के वेटेज के हिसाब से अपने आपको लेके चलना है, न कि नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से आपको लेके चलना है। ठीक है, ओके, ये टाइम स्लॉट मैंने यहाँ पे क्यों फिक्स किया, क्योंकि आपका जो एग्जाम टाइमिंग होगा वो 10:30 to 1:30 होगा, तो मैं चाहता हूँ कि अगले 5-6 दिन के अंदर आप इस टाइम स्लॉट पे जरूर पेपर दें, जिससे आपका माइंड जो है वो उस वक्त पे ज़्यादा एक्टिव हो सके। ठीक है, माइंड को पता चल जाए कि आप, मतलब माइंड को एक हैबिट बन जाए कि अब अपने को यहाँ पे काम करना, ज़्यादा एक्टिव रहना है। ठीक है, उसके बाद टिल 1:30 का पेपर हो जाएगा, टिल 2:30 तक पेपर को चेक कीजिए, एनालिसिस कीजिए। ठीक है, पेपर जो भी आप उठाएं उनके सॉल्यूशंस आपके पास होने चाहिए, या फिर किसी फैकल्टी से अगर आप एजुकेटर से बात कर सकें उनसे आप एक बार चेक करवा दीजिए। ठीक है, चाहो तो आप मुझे भी व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, वो सैंपल पेपर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एनालिसिस आपको ये करना है कि आप कौन से सेक्शन में ज़्यादा अटक रहे हो या कौन से चैप्टर में आपको ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, उनको एक बार दोबारा अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चैप्टर्स हैं जो मान लो रियल नंबर है, मान लो आपका पूरा पूरा सही जा रहा है, तो आपको वापस ऐसे उसको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी क्या पोर्शन आया है जो आपका वीक जा रहा है। ठीक है, लाइक मान लो ट्रिग्नोमेट्री में आपके नंबर कम आ रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में 3 टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, स्पेसिफिक एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये जो 3 पोर्शन जो स्टार्टिंग मैंने बोले आपको स्पेसिफिक एंगल, आइडेंट सॉरी
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, अगर यहाँ पे अगर आपके मार्क्स नहीं कट रहे हैं और आइडेंटिटी पे ज़्यादा मार्क्स आपके कट रहे हैं तो आपको उस पर ज़्यादा वर्क देना है, तो आपको टाइम शाम को टाइम आप निकाल सकते हो, ठीक है। आफ्टर 2:30 आप रेस्ट वेस्ट करके जो भी है टिल इवनिंग तक, 6 मार्च को टिल इवनिंग तक सोने से पहले आप ये चैप्टर्स जो हैं, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता अर्थमेटिक प्रोग्रेस में देखा जाए तो दो वेरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सम ऑफ एन टर्म एंड जनरल टर्म, ठीक है। हाँ, उनके अंदर कुछ और वेरायटीज आ जाती है, ठीक है, आपको उन पे वर्क करना है, ठीक है, उनको मतलब हर टाइप के क्वेश्चन आपको उसमें करने हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो दो मेथड होंगे आपके पास, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड रिमूव कर दिया है सीबीएसई ने इस साल, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ वर्ड प्रॉब्लम्स में थोड़ा टाइम लगेगा, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, एंड कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी, ठीक है, A1 / A2, B1 / B2, C1 / C2 को कंपेयर करके अपन क्वेश्चंस करते हैं, डेफिनेटली एक प्रॉब्लम जरूर आएगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले को स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं। स्टैटिक्स के अंदर अगर अपन देखें तो मीन 3 तरीके से निकाल सकते हैं, मोड एक तरीके से ही है और मीडियन भी एक ही मेथड से है। वो पाँचों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। आप ये भी याद रख लीजिए कि उन 5 फॉर्मूले में से नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, जैसे अगर मैं बात करें मोड के अंदर आई थिंक एक सॉरी दो ही कॉलम होंगे, ठीक है, मीडियन के अंदर 3 कॉलम होंगे, ठीक है, स्टैटिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं, ठीक है, डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम होते हैं, एक में 5 होते हैं, एक में 6 कॉलम होते हैं, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम्स होते हैं, ठीक है, तो उनको चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। 7 मार्च को जो भी आपने टिल 10 AM तक आपको जो करना है वो ये प्रोसेस आपका रहेगा कि 7 मार्च को जो आपने एरर सैंपल पेपर 1 में की थी एक बार आप उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, उन एरर को एक बार काम कीजिए उन एरर्स के ऊपर, ठीक है, वो एरर्स दोबारा नहीं होनी चाहिए, इतना आप ध्यान रखिएगा। इन 5 या 6 सैंपल पेपर में मैं ये चाहता हूँ जितनी गलतियाँ कर सकते हो करो, बट एग्जाम के टाइम पे वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी आपको रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, फिर फॉर्मूला आपको रिवाइज करना है पूरा का पूरा, वो एक बार कर लीजिए, ठीक है। अगेन सैंपल पेपर आपको करना है 10:30 और 1:30 के बीच में आपको करना है। ये सैंपल पेपर देते समय एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, एकदम सीरियसनेस होनी चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए कि आप सैंपल पेपर दे रहे हो, मम्मी कॉफ़ी लेके आओ, मम्मी ये लेके आओ, मम्मी वो लेके आओ, ठीक है, बार बार आप उठ के जा रहे हो, नहीं, आपको एकदम आइसोलेट रखना है अपने आप को, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सैंपल पेपर कर रहे हो, किसी क्वेश्चन में आप फंस गए, मान लो 4-5 प्रॉब्लम आपकी फंस गई, फिर सोच रहे यार पेपर तो बिगड़ गया, चलो छोड़ो क्या मतलब है, ठीक, कोई बात नहीं, बिगड़ ना दो पेपर, एटलीस्ट आपको अपनी गलतियां तो पता चल रही है यहाँ पे, ठीक है, तो उन गलतियों को पता करो और उन पे काम करो, ठीक है। अपने पास 6 दिन है, अपन इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगेन सेम प्रोसेस, पेपर चेक करो, एनालिसिस करो, और लास्ट में रात में सोने से पहले अगर मैं बात करूं तो ये 3 चैप्टर्स जो हैं ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। सर्कल्स, सर्कल्स थ्योरम पे, सर्कल्स पे एक थ्योरम जरूर आ सकती है हर साल प्रूफ करने के लिए कि टेंजेंट्स इक्वल है, टेंजेंट्स इक्वल इंक्लाइंड है, टेंजेंट्स का जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, टेंजेंट सब्टेंट सिंगल इक्वल एंगल एट द सेंटर होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं थ्योरम्स हैं जो प्रूफ में आ सकती हैं, या फिर सर्कल सर्कमस्क्राइब इंस्क्राइब इन ए क्वाड्रिलेटरल, देन सम ऑफ अपोजिट साइड इज ऑलवेज इक्वल, अगर वो पैरेललोग्राम है तो वो रोम्बस होगा, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसके अंदर एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जा सकता है एंड एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा जाता है, ठीक है। अब वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन काफ़ी सारे एनसीईआरटी के अंदर है, उन सबको मतलब सॉल्व कीजिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को, ठीक है, और सब क्वेश्चन का आइडिया लगा लीजिए कि इस प्रॉब्लम में मेरे को ऐसा करना है, इस प्रॉब्लम में मेरे को ऐसा करना है, इस प्रॉब्लम में मेरे को ऐसा करना है, ठीक है। देन रियल नंबर, रियल नंबर में अगर मैं बात करूं जैसे आपके स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, 3 चीजें हैं, लेमा, एल्गोरिथम एंड फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है, ये 3 चीजों की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली यहाँ पे ये पूछा जाता है कि स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव, तो पहले आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए, तो तीनों लेमा का स्टेटमेंट आप रख लीजिए, एल्गोरिथम का स्टेटमेंट आप रख लीजिए एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट आप रख लीजिए, ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि चैप्टर में क्या पूछ सकता है, ठीक है, प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज 4q एंड 4q+1, ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम मतलब प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है, तो सबसे पहले बी का वैल्यू आइडेंटिफाई करना, बी का वैल्यू आइडेंटिफाई हो गया, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर आइडेंटिफाई करना, सारे के केस कंसिडर करना, जो बोला गया स्क्वायर या क्यूब करना वॉट एवर, उन सबको स्क्वायर या क्यूब कीजिए, देन उसको सिंप्लीफाई करते रहिएगा, आई बात समझ में, ठीक है। ये था अपना 7 मार्च का। 8 मार्च को सेम चीजें तो रिपीट होंगी तीन, तो कि अपने को पिछले पेपर की एरर्स पे काम करना है, रिवीजन करना है, सैंपल पेपर करना है, पेपर चेक और एनालिसिस करना है, और 8 मार्च को जो चैप्टर्स हमारे होंगे दैट इज ट्राइंगल एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम, ठीक है। सरफेस एरिया वॉल्यूम अगर आप याद करो तो 8th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, बट यहाँ पे जो कुछ क्या चीजें हुई है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड की बात होगी,
कन्वर्जन ऑफ सॉलिड की बात होगी, ध्यान रखना कन्वर्जन ऑफ सॉलिड में हमेशा वॉल्यूम को कंपेयर किया जाता है। किसको कंपेयर किया जाता है? वॉल्यूम को कंपेयर। एक नया ऑब्जेक्ट जो ऐड हुआ है इस साल वो है फ्रस्टम। क्या ऐड हुआ है? फ्रस्टम, ठीक है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं। ट्राइंगल्स में बीपीटी थ्योरम है, मतलब थेल्स थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट आपको पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट एंड उसका प्रूफ पता होना चाहिए। हाँ, सिमिलर एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड चीज भी पूछ सकता है, पूछेगा भी, बट प्रूफ करवा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए अगर सिमिलर ट्राइंगल है, साइड्स का रेशियो सेम होता है, मीडियन का रेशियो सेम होता है, एल्टीट्यूड का रेशियो सेम होता है, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो सेम होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलते हैं अपन 9th मार्च को। 9th मार्च को अगेन सेम, पहले के 3 पार्ट तो वही होंगे, टिल 2:30 तक वही चीज आपको करनी है, रिविजन करना है, एरर पे काम करना है, सैंपल पेपर करना है, पेपर चेक करना है और एनालिसिस करना है। ठीक है, लास्ट में आपको 9th मार्च को, मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने इसके साथ सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन लिया है। क्या लिया है? कंस्ट्रक्शन लिया है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री पे काम कीजिए जितना ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अब थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि आप लोगों ने 3 सैंपल पेपर सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको यही देखना है कि इसमें क्या क्या वेरायटी, 10-4 वेरायटी के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उन वेराइटीज पे आपको काम करना है, साइन कोस में कब कन्वर्ट करना है, सेक्ट एंड आइडेंटिटीज कहाँ यूज करनी है, कौन सी आइडेंटिटी कब कैसे अप्लाई करनी है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में अभी भी आपने 4 सैंपल पेपर किए हैं, उन 4 सैंपल पेपर में अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्री के किसी एक प्रॉब्लम के अंदर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है आइडेंटिटीज वाले में, एक बार अपने एजुकेटर से जरूर बात कीजिए, हो सकता है वो उससे छोटा मेथड हो। क्योंकि कई बार होता है ऐसा है कि हम एक पर्टिकुलर स्टेप पे आके अटक जाते हैं, देन उसके बाद वहीं पे बार बार घूमते रहते हैं, उसी स्टेप पे हम बार बार आते रहते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में आपका टाइम ले सकता है, इस पर आप जरूर काम कीजिएगा। ठीक है, देन कंस्ट्रक्शन, जैसे सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है, टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है, सिमिलर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। सिमिलर ट्राइंगल में भी 2 वेरायटी है कि रेशियो इज लेस देन 1, रेशियो इज मोर देन 1। ठीक है, इन पे सब पे अपने को काम करना होगा। सेम 10th मार्च को अगर मैं बात करूँ, बाकी चीजें तो सेम है, सिर्फ एक चैप्टर जो हमारा बचा हुआ है दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगेन 3 चीजें होंगी। ठीक है, 3 चीजें क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, इन 3 चीजों पर आप काम कीजिए। ठीक है, अब पॉइंट कोलिनियर प्रूफ करना है। ठीक है, दो तरीके, तीनों तरीके से प्रूफ कर सकता हूँ। अगर सम ऑफ टू डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस तो पॉइंट्स कोलिनियर है, पॉइंट्स का अगर रेशियो इक्वल आ जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर है, या एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल आ जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, बट वेरिएबल्स अगर यहाँ पे यूज हो जाए तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 आप लगा दीजिए। ठीक है, टिल 10th मार्च तक अपने ऐसे कोई ज्यादा एफर्ट नहीं मारा है। अगर अपन ध्यान से देखें तो 3 घंटे अपन ने पेपर देने में लगाए हैं। ठीक है, और रिवीजन में मान लो अगर अपन डेली बात करें 8 to 10, 5 घंटे ये हो जाएंगे, और पेपर चेक एनालिसिस में आधा घंटा आपका, मुश्किल से आधा या 1 घंटा चलो मान लेते हैं, 6 आवर्स आपके हो जाएंगे। बाकी जो मैंने क्वेश्चंस बैंक सोल्व करने के लिए बोला, चैप्टर वाइज जो भी, सब्जेक्ट वाइज जो भी है, ठीक है, अगर आप उसके अंदर 3 घंटे भी माने, क्योंकि आप 2:30 अगर आप फ्री हो गए, मान लो यहाँ पे 2:30 अगर आप फ्री हो गए, ठीक है, तो इसके बाद अगर आप 6 o'clock भी अगर आप बैठते हैं, 6 to 9 या 10 अगर आप जो भी आपका स्लॉट है, 6 to 10 अगर आप बैठते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा इतना मतलब हेक्टिक शेड्यूल आपका हो पाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे भी करवाऊंगा। ठीक है, अनअकैडमी पे डेली 3:30 और 10 PM भी मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, कुछ मेंटी क्विज भी लूंगा जिससे आप आपको अपने आपका एनालिसिस कर भी पाओगे। ठीक है, छोटी छोटी जो गलती आप कर देते हो उन गलतियों के बारे में भी यहाँ पे मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब फाइनल अपन बात करते हैं 11th मार्च को अपने को क्या करना है, 11th मार्च को अपने को क्या करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर का पेपर करूँ, नो डाउट पैटर्न अलग होगा, पैटर्न अलग होगा, बट लेवल तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा प्रीवियस ईयर के पेपर में, कॉन्सेप्ट वही है, सब चीजें वही है। ठीक है, एग्जैक्टली आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप 2 पेपर करोगे तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि कौन से चैप्टर से किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये काम करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे, जो आपका एक्सपेक्टेड है उसे डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे। बट ये ध्यान रखिएगा, ये जो टाइम है इसको बर्बाद मत कीजिएगा, ऐसा नहीं हो कि हमने प्लानिंग तो कर ली बट हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अब मैं बात करता हूँ प्लानिंग फॉर अटेम्प्टिंग पेपर्स। ठीक है, ये मैं नए पैटर्न के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है इसके अंदर थोड़ा आगे पीछे होगा आप लोगों के हिसाब से, डेफिनेटली होगा, बट जो भी आप 5 सैंपल पेपर करें, ध्यान कोशिश कीजिएगा कि सेक्शन ए को आप विद इन 40 मिनट के अंदर कर लें, विद इन 40 मिनट के अंदर आप लोग कर लें।
ठीक है, आई थिंक 2 मिनट पर क्वेश्चन सेक्शन है, आई थिंक मेरे हिसाब से बेकार डील नहीं है, कोई भी बेकार डील नहीं है। आई बात समझ में? सेक्शन भी जो जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 होंगे, ठीक है, टोटल ये 12 मार्क्स का होगा पोर्शन जो भी है, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा इसमें 4 मिनट पर क्वेश्चन आप दे सको, ठीक है। ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से 4 मिनट पर क्वेश्चन मैं यहाँ पे ज्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 4 मिनट क्वेश्चन आप दे सकते हैं, तो इजीली कर लीजिए इसको भी, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अब कई बच्चे सोचेंगे सर 2 मिनट ही क्यों दे, ठीक है, या 4 मिनट ही क्यों दे, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं सेक्शन ए के अंदर जिसके अंदर 3 मिनट 4 मिनट भी लग सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे बेटा वो विदिन 30 सेकेंड भी हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने को जो भी आप घड़ी लेके जाओ, टाइम फ्रेम डिसाइड करो कि 40 मिनट सेक्शन ए शुड बी कंप्लीटेड, 24 मिनट सेक्शन बी शुड बी कंप्लीटेड, सेक्शन सी 8 क्वेश्चन 5 मिनट पर क्वेश्चन बहुत है मेरे हिसाब से, आप कर लीजिए, ठीक है। एंड सेक्शन डी 7 मिनट पर क्वेश्चन आपके लिए बहुत होगा, ठीक है। अगर आप ओवरऑल ये करते हो तो 146 मिनट, मतलब अप्रोक्सी 150 मिनट, मतलब 2 आवर्स एंड 30 मिनट के अंदर आप ये पूरा पेपर इजीली आप कर लोगे, इजीली आप कर लोगे, ठीक है। अब आपके पास बचते हैं 30 मिनट, अब उन 30 मिनट में आप उन क्वेश्चंस पे वर्क कीजिए या फिर आप रीचेक कर लीजिए अपने क्वेश्चंस को एक बार फटाक से कि कहीं पे कोई छोटी मिस्टेक सिली मिस्टेक एरर तो आप लोगों ने नहीं कर दी है। हो सकता है कि अगर आपने 5 प्रैक्टिस की तो हो सकता है कि जो आपका पेपर वो 2 एंड 30 मिनट्स की बजाय बहुत कम टाइम में भी ये पॉसिबल है कम हो जाए, बट आपको रिवर्स चेक जरूर करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक्स की जगह वाई रीड कर लिया, वाई की जगह एक्स रीड कर लिया, 2+3, क्योंकि ऐसी एरर हो सकती है एग्जाम में, ऐसा हो सकता है कि 2+3 हम लिख तो 2+3 रहे हैं, ठीक है, बट दिमाग हमारा इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, ये छोटी छोटी गलतियां ये हो जाती है कई बार, ठीक है। तो इन छोटी छोटी गलतियों को अपने को वहां पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिक्स आई थिंक 11 या 12 मार्क्स का पेपर में आता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 4 to 5 मार्क्स का डेफिनेटली पेपर में आएगा। सेक्शन डी में जो क्वेश्चन आएगा वो स्टेटिक्स का आएगा, आई थिंक मीन मीडियन मोड निकालने के लिए जो भी आएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले थ्योरिटी मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है। अब पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, वेरियस टाइप की जो चीजें वो अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ इवेंट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव में 1 मार्कर में पहुंचे जाते हैं, सर्टेन इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, इम्पॉसिबल इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी हमेशा ऐसा भी पूछ सकता है कि विच वन इज नॉट बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ठीक है। तो ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगी, आई बात समझ में, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट ये होती है जिनका एक दूसरे पे मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता, वैसे आपके ये काम की नहीं है चीज, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब किसी एक इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1 मतलब समथिंग एक्स है तो नहीं होने की इवेंट कितनी हो जाएगी उसकी, 1 - x हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कुछ चीजें फेवर में होंगी तो कुछ चीजें अगेंस्ट में भी, ऐसा कुछ नहीं होगा 50-50 चल रहा है कुछ, ठीक है। ओके, कुछ चीजों का आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर अपन बात करें कि एक कॉइन को अगर मैंने थ्रो किया तो हेड और टेल आएंगे, ठीक है। अगर मैंने 2 कॉइन थ्रो किए तो क्या क्या बन सकता है, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर एक हेड एक टेल बात तो एक ही है, ठीक है, बात एक नहीं है। 3 कॉइन्स के लिए टोटल आउटकम बनेंगे 8 आउटकम बनेंगे, कितने आउटकम बनेंगे 8 आउटकम बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या पूछी जा सकती है, एटलीस्ट 1 टेल एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 हेड में क्या होता है, 1 हेड भी आपके फेवर में, 2 हेड भी आपके फेवर में, 3 हेड भी आपके फेवर में, आई बात समझ, ठीक है। तो इन चीजों पर काम कर सकते हैं। डाइस के लिए अगर मैं बात करूँ तो डाइस में अगर अपन बात करें, एक डाइस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 to 6 नंबर आते हैं, प्राइम नंबर ध्यान रखिएगा 2, 3, 5 होते हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 4 and 6 कंपोजिट नंबर होते हैं, इवन नंबर 2, 3, 2, 4, 6 होते हैं और 1, 3, 5 आर ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है। 2 डाइस को अगर अपन थ्रो करें तो टोटल आउटकम बनेंगे 36, वो आउटकम आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, ठीक है। तो इस टाइप से टोटल 36 आउटकम बनेंगे, ठीक है। प्लेइंग ऑफ कार्ड्स के अंदर टोटल 4 कलर होते हैं, कितने कलर होते हैं, 4 कलर होते हैं, रेड हार्ट ये डायमंड होगा, ठीक है। उसके बाद में जो ब्लैक कलर के हैं, ठीक है, उनकी अगर मैं बात करूं
स्पैड एंड क्लब, ठीक है। हर के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इन 13 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ठीक है। 2 से लेके 10 तो न्यूमेरिक कार्ड होते हैं, 2 से लेके 10 तो सब के अंदर क्या होंगे, न्यूमेरिक कार्ड होंगे। टोटल न्यूमेरिक कार्ड कितने होंगे, 9 होंगे। इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कार्ड, ठीक है। उसके बाद में फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड हर जगह अपन देखे तो जे फॉर जैक, के फॉर किंग, क्यू फॉर क्वीन, ठीक है। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और एक लास्ट में जो इक्का होता है एस कार्ड, ठीक है, वो क्या होगा, ए। टोटल कितने हो जाएंगे, 4। अच्छा अच्छा 1 होगा, पर्टिकुलर कलर में 1 होगा, ठीक है। टोटल एस कार्ड 4 हो जाएंगे, टोटल फेस कार्ड 12 हो जाएंगे, और टोटल न्यूमेरिक कार्ड 36 हो जाएंगे, ठीक है। अगेन न्यूमेरिक कार्ड में ये पूछ सकता है प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्राइम नंबर अगर अपन देखें 2, 3, 5, 7 होंगे, 4, 4, 4, 16, 16/52, ठीक है। तो वेराइटीज वो घुमा सकता है, चीज़ों को घुमा सकता है, ठीक है। थोड़ा अगर और डिफिकल्ट लेवल पे जाए तो एक कॉइन और एक डाइस को एक साथ थ्रो कर सकता है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। कॉइन के आउटकम 2 है, डाइस के आउटकम 6 है, 2 × 6 = 12 आउटकम बनेंगे। क्यों, क्योंकि कॉइन पे हेड आ जाए और डाइस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। कॉइन पे अगर टेल आ जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इस टाइप से अपन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। तो फटाक से अपन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, ए नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर दिस, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, देन लेस देन और इक्वल्स टू 1। ध्यान है ना, स्क्वायर की बात करें, पहले तो आप ये काउंट कीजिए नंबर कितने, नंबर 10 नहीं 11 नंबर है, कितने आउटकम है, 11 नंबर होंगे, ठीक है। कितने नंबर है, 11 नंबर होंगे, ओके, ठीक है, ओके। अब क्या कह रहे हैं कि एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए क्या कंडीशन होगी, सिर्फ यहाँ पे -1, 0 और 1, क्योंकि 2 के लिए तो -2 के लिए तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -3 के लिए क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -4 के लिए क्या हो जाएगा, 16, तो वो कोई मैटर नहीं करेगा। आपके फेवर में सिर्फ कितने होंगे, 3 होंगे, कितने होंगे, 3। अब कई बच्चों को डाउट आ रहा होगा, सर आउटकम तो आपको 6 ही लेने चाहिए थे ना, 1, 4, 9, 16, 25 एंड 0, बट आप ध्यान रखिए नंबर जो है वो सिलेक्ट इनमें से किया जाएगा, नंबर जो है वो नंबर इनमें से सिलेक्ट किया जाएगा, देन उसके बाद क्या हुआ है वो अपने को कोई मतलब नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/11 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है जो कैलेंडर पे प्रॉब्लम पूछी जा सकती है कि लीप ईयर के अंदर नंबर ऑफ इतने, मतलब 53 मंडे होने के चांसेस क्या है, 53 संडे होने के चांसेस क्या है। तो अगर आपको सिंगल डे के लिए बोला गया, सिर्फ और सिर्फ सिंगल डे के लिए बोला गया, तो आपको ये देखना है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए वीक नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने बच रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने एक्स्ट्रा बचेंगे, 2 बचेंगे, और 2/7 क्या, टोटल नंबर ऑफ डेज इन ए वीक, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि उन दो दिनों में मंडे कितनी बार आ सकता है, उन दो दिनों में दोनों बार ही आ सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले दिन मंडे हो फिर ट्यूसडे आ जाए, या फिर संडे हो और मंडे, मतलब ये दो फेवरेबल आपके आउटकम बन जाएंगे वहां पे, ठीक है। हाँ, बट अगर ये बोलते मंडे एंड ट्यूसडे कब आएगा, मंडे एंड ट्यूसडे, तो मंडे एंड ट्यूसडे एक ही केस है, संडे एंड मंडे लोगे एक्स्ट्रा जो भी दो दिन है उनमें संडे और मंडे लोगे तो पॉसिबल नहीं है, ट्यूसडे तो आया ही नहीं, मंडे एंड ट्यूसडे एक ही पॉसिबल केस है, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। एक चीज और है, एंड और वर्ड का इस्तेमाल, ठीक है, एंड और वर्ड का इस्तेमाल, एंड मतलब दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और मतलब उनमें से कोई एक हो जाए, जैसे अपन बोलूं मंडे और ट्यूसडे, तो या तो मंडे आ जाए तो भी चलेगा, ट्यूसडे आ जाए तो भी चलेगा, तो संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे और ट्यूसडे वेडनेसडे, तो 3 पॉसिबल आउटकम आपके पास बन जाएंगे उस केस के अंदर। आई बात समझ में, तो एंड और वर्ड का जरूर ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में आप गलती कर सकते हो, ठीक है। अगला देखिए, 3 कॉइंस टॉस्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है। 1 हेड कब मिलेगा, ध्यान से देखिए, टोटल 8 आउटकम्स है, ये 3 कॉइंस है, मान लो हेड यहाँ पे आ जाए, हेड यहाँ पे आ जाए, हेड यहाँ पे आ जाए, तो एग्जैक्टली 3 पॉसिबल आउटकम, 3 ही तो बनेंगे, पहली पोजिशन पे हेड आ जाए, दूसरी पोजिशन पे हेड आ जाए, तीसरी पोजिशन पे टेल आ जाए, ठीक है, TST TTH, तो ये 3 आपके फेवरेबल आउटकम है, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3/8 हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट करके बता दिया जाए, फटाफट से इस प्रॉब्लम को पढ़िए और कर कीजिए।
जयंती थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्ड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, तो 36 जयंती के लिए अगर मैं बात करूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ जयंती क्या होगी, जब 6.6 आएगा तभी तो ये बात बनेगी। तो 6.6 कब आएगा बेटा, मतलब एक बार ही आएगा, तो आंसर इज 1/36। ठीक है, उसके बाद में कौन बात कर रहा है, पीयू के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ पीयू क्या कर रहा है, एक ही डाइस थ्रो कर रही है एंड रिकॉर्ड द स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो बेटा आपने नंबर जो सिलेक्ट किया वो तो आपके पास सिर्फ एक ही नंबर, जो टोटल 6 ही नंबर है। ठीक है, तो इसका जो आउटकम आएगा दैट विल बी 1/6 जो भी है 6 आएगा। आपके फेवर में कौन है, 6 नंबर आपके पास आ जाए, 6 नंबर आपके पास आ जाए तो फेवरेबल आउटकम कौन होगा आपका, 6 होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/36 है। ठीक है, हु इज बेटर चांस ऑफ गेटिंग द नंबर 36, तो आई थिंक ये ज्यादा चांसेस है इसके। क्यों, क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा बड़ा है, न्यूमरेटर दोनों केस में इक्वल है बट डिनोमिनेटर पीयू का ज्यादा बड़ा है। ठीक है, अगला देखिए, ए इंटीजर इज सिलेक्टेड बिटवीन 70 to 100। अब यहाँ पे शायद क्वेश्चन में दिक्कत कर जाते हैं बच्चे, नंबर ऑफ इंटीजर कितने हैं यहाँ पे, बच्चे बोलते हैं 30, नहीं 31 है, 71 से लेके 100 तक 30 होंगे। ठीक है, और 70 को और काउंट कर लिया तो 71, इसको आप यूं काउंट कर लीजिए ना, 1 से 100 100 होते हैं ना, 1 से 100 100 होते हैं। ठीक है, बट अगर आप उसको डिफरेंस के मेथड से करोगे तो 100 - 1 99 होता है एक्चुअली, बट नंबर्स तो 100 है हमको पता है, तो हमको प्लस 1 करना होगा। तो m और n के बीच में, m और n के बीच में नंबर ऑफ इंटीजर कितने होंगे हमेशा n - m + 1। ठीक है, तो 70 to 100 31 नंबर हो गए, चलो कोई बात नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 70 से लेके 100 के बीच। अब प्राइम नंबर काउंटिंग करने में दिक्कत मत कर देना, 71 होता है, 73 होता है, 70 आप तो पहले ओड नंबर पे ही चलना। ठीक है, 75 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 79 इज ए प्राइम नंबर, 81 नहीं होगा, 83 इज ए प्राइम नंबर, 84, 85, 86, 87, 88, 89 इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, 91, 93, 94, 95, 96, 97 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। चेक कर लो क्या कोई प्राइम नंबर है तो नहीं गया हमारे पास। देखो 71 ओड नंबर पे चल रहे हैं, 73 प्राइम है, 75 मल्टीपल ऑफ 5 हो गया, 77 मल्टीपल ऑफ 7 हो गया, 79 को मैंने ले लिया है, 81 मल्टीपल ऑफ 9 है, 83 85 मल्टीपल ऑफ 5 है, 87 मल्टीपल ऑफ 3 है, 89 91 मल्टीपल ऑफ 7 है, 93 मल्टीपल ऑफ 3 है, 95 मल्टीपल ऑफ 5 है, 97 इज ए प्राइम, 99 मल्टीपल ऑफ 9। तो फेवर में कितने आगे, आगे 1 2 3 4 5 6 आ गए, कितने आ गए 6 आ गए, तो आंसर विल बी 66/31। डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7 की अगर मैं बात करूँ तो 70 77। ठीक है, और टिल कहाँ तक चलना अपने को, 98 तक चलना। चाहो तो आप इसको एपी से सोल्व कर लो, चाहो तो आप देखो यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, इससे पहले 7 के मल्टीपल थे 9, कितने मल्टीपल थे 9, 7 9 = 63। ठीक है, और यहाँ तक हो गए हैं 14, कितने हो गए 14। ठीक है, उससे पहले 9 थे, ये हो गए 14, तो कितने बच गए, 5 ही तो बचे शायद, कितने बचे हैं 5, काउंट भी कर सकते हो, 84 91। ठीक है, 84 91 98। ठीक है, कितने हो गए 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/71। ठीक है, अच्छा एक चीज़ अगर मान लिए बोलता है नॉट डिविजिबल बाय 7, तो इसका मतलब ये है कि नहीं है कि आप डिविजिबल बाय 7 नंबर है उनको काउंट ही ना करो, आप उनको काउंट कर दीजिए और इसको 1 में से माइनस कर दीजिएगा, सॉरी ये 31 होगा ना, और उसको 1 में से माइनस कर दीजिएगा, तो उस केस में आंसर कितना आ जाएगा 1 - 5/31। ठीक है, अगला देखिए, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। तो बेटा टोटल तो 4 किंग होते हैं, रेड कलर के 2 होंगे तो 2/52। ठीक है, सेकंड है फेस कार्ड, टोटल 12 कार्ड होते हैं तो 12/52। थर्ड वन रेड फेस कार्ड, 6/52। जैक ऑफ हार्ट एक ही तो होगा, ये जैक ऑफ हार्ट तो एक ही होगा। एस्पेड 13 होते हैं, 13/52। द क्वीन ऑफ डायमंड एक ही तो होगी, डायमंड की क्वीन तो 1/52। आई बात समझ में? ठीक है, बस वहां पे आप ये लिखते जाना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड पॉसिबल आउटकम इज ओनली दैट। ठीक है, अगर ये ज्यादा मार्क्स का आता है, 3 मार्कर अगर ये आता है तो। ठीक है, अगला देखिए, कंसिस्ट 144 वॉल पेंस ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। ठीक है, डिफेक्टिव कितने हैं, 20 है, तो गुड कितने हो जाएंगे, 124 हो जाएंगे।
टोटल कितने हो गए, 144 हो गए. ठीक है, नूरी विल बाय ए पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इट इज डिफेक्टिव. द शॉप कीपर ड्रॉ वन पेन एट रैंडम टू गिव टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट. वो कब बाय करेगी, जब गुड कंडीशन में होगा. तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 124 अपॉन 144. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा. सेकेंड का नॉट बाय मतलब 20 अपॉन 124. ठीक है, अगला देखिए, सेम चीज है अगेन. 20 बल्ब डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पहले का तो आंसर आ जाएगा 4/20. ठीक है, सेकेंड क्या है, सपोज द बल्ब ड्रोन इन इज नॉट डिफेक्टिव. नॉट डिफेक्टिव मतलब क्या है, पहले 4 एंड 16. ठीक है, नॉट डिफेक्टिव, अब तो यही इतना ही रहे ना, डिफेक्टिव नहीं था, गुड था, तो यहां पे कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे ना, कितने हो जाएंगे 15. नाउ वन बल्ब इज ड्रोन एट, वो रिप्लेस नहीं किया गया, ठीक है, रिप्लेस नहीं किया मतलब कम हो चुका है. नाउ वन बल्ब इज ड्रोन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, अब इसमें से उठाया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो नॉट डिफेक्टिव क्या हो जाएगा, 15/19 हो जाएगा, क्योंकि अब टोटल आउटकम आपको, आपके पास नंबर ऑफ बल्ब कितने है? सिर्फ 19 ही तो है, रिप्लेस तो किया ही नहीं उसने. ठीक है, तो 15/19. ठीक है, अगला देखिए, आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है किसी चीज की 0.035. मान लेते हैं बैड एग इज एक्स आउट ऑफ 400, आपको यही तो दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 1000, 1 2 1 2. ठीक है, ओके, 5 2 जा 5 7 जा. ठीक है, तो 2 2 जा 4, तो x का वैल्यू क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो x का वैल्यू क्या आएगा, 14 इज द राइट आंसर. 14 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट. ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है आपको प्रोबेबिलिटी दे दी जाए, देन आपसे इक्वेशन पूछी जाए. ठीक है, टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज 6. ठीक है, तो 6 कब बन सकता है बेटा, 1.6 से बन सकता है, 6.1 से भी बन सकता है, 2.3 से बन सकता है, 3.2 से बन सकता है, 1 2 3 4. तो आंसर इज 4/36. प्रोडक्ट इज 12. प्रोडक्ट इज 12 कब बनेगा, 2.6 3.4. इसके अलावा कोई पॉसिबल केस है, नहीं है, 6.2 4.3, क्योंकि 1.12 तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, 1.12 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 4/36. प्रोडक्ट इज 7. 7 तो एक ही केस में बनता है, 1 into 7, बट डाइस पे 7 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 इज द राइट आंसर. ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, काफी हेल्प मिली होगी आप लोगों को इससे. ठीक है, तो जो मैंने प्लान बेटा आप लोगों को बताया, उस प्लान को प्लीज जरूर फॉलो कीजिएगा. ठीक है, तो मैं आपको इंश्योर करता हूं कि आपको डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा. ठीक है, आज शाम को फिर मिलेंगे 10 बजे, और आप बताइएगा मुझे, और शाम को 10 बजे मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक एंड पॉलीनोमियल लेके आऊंगा. आप तब तक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे बता दीजिएगा, बोर्ड से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस टाइप के क्वेश्चन जरूर डालने की कोशिश करूंगा शाम को लेक्चर के अंदर. ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मेरा रेफरल कोड है ASSIRLIV, उसको यूज कीजिए, 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा. बेल आइकन आप दबाइएगा, ठीक है, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में यूट्यूब पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. उसके फर्दर अगर आप मेरा हमारा जो भी ओलंपियाड का ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, t.me/ओलंपियाड, उस पर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं हमारे अपकमिंग वीडियोस के बारे में, उसके बारे में आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी. ठीक है, गुड इवनिंग, बाय बाय.